आप सभी का आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें बड़ा अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन बायोटेक्नोलॉजी विभाग और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा, 14 जून को महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे पुणे, 2 बजे देहू में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज मंदिर का करेंगे उद्घाटन, इसके बाद मुंबई पहुंचेंगे पीएम मोदी। जम्मू में एक बार फिर ड्रोन के हलचल देखने को मिली, अरनिया इलाके में ड्रोन देखा गया, बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन, ये ड्रोन 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ड्रोन के जरिए निगरानी रख रही है, पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल फोन और सोशल साइट्स खंगाली जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 13 जून तक हिरासत में लिया, मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन के बढ़े निर्माण कार्य, अमेरिकी सेना के अधिकारी चार्ल्स फ्लिन ने बयान दिया, चीन की सैन्य तैयारियां भारत के लिए चेतावनी, अमेरिका भारत को कटिंग एज टेक्नोलॉजी देने को तैयार, चीन से निपटने के लिए भारत के पास भी होनी चाहिए तैयारी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई शिविरों का दौरा किया, उन्होंने सुरक्षा को पुख्ता बनाए जाने के निर्देश दिए। विवादित बयान को देकर दूसरे देशों की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्रालय का जवाब, कहा किसी के निजी विचार सरकार का विचार नहीं, सवाल उठाने वाले सभी देशों को भारत ने समुचित जवाब दिया। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी के फिर से अध्यक्ष चुने गए इमरान खान, पार्टी के आंतरिक चुनाव 13 जून तक करने के पाकिस्तान चुनाव आयोग के निर्देश के बाद इस्लामाबाद में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। अमेरिकी और एशियाई शेयरों में गिरावट के चलते असर दिखा, शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 300 अंकों तो निफ्टी में 100 अंकों के करीब गिरावट के साथ खुला। भारत वियतनाम के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हनोई यात्रा के दौरान दस्तखत, वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल वान फान रियांग भी मौजूद, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे दोनों देश, वियतनाम के रक्षा मंत्री हैं जनरल वान फान गियांग। महिला साइकिलिस्ट को प्रताड़ित करने वाला कोच बर्खास्त, भारतीय खेल प्राधिकरण ने लिया फैसला, जांच के दौरान महिला साइकिलिस्ट की शिकायत सही, साइकिलिंग के राष्ट्रीय कोच शर्मा तत्काल प्रभाव से बर्खास्त, नेशनल साइकिलिस्ट टीम के प्रमुख कोच थे आर के शर्मा। सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपए प्रति क्विंटल तक वृद्धि, सोयाबीन ज्वार तेल मूंग के एमएसपी में 6.6 से 8.8 फीसदी तक बढ़ोतरी, सबसे ज्यादा सोयाबीन के एमएसपी में 8.86 फीसदी की बढ़ोतरी, सबसे कम बाजरा के एमएसपी में 4.44 फीसदी की बढ़ोतरी। सोनिया गांधी ने ईडी से मांगा समय, पेश होने के लिए ईडी से मांगा 3 सप्ताह का समय, सोनिया गांधी को नया समय जारी करेगी अब ईडी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने की तैयारी, केंद्र सरकार के सभी मंत्री राज्यों में योग दिवस के कार्यक्रमों में होंगे शामिल, गृह मंत्री अमित शाह नासिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमिलनाडु केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में शामिल होंगे। दिल्ली के उद्योगों घरों में कोयले का उपयोग बंद करने की तैयारी, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 1 जनवरी 2023 से बंद होगा कोयले का उपयोग, लो सल्फर कोयला और थर्मल पावर प्लांट पर नहीं रहेगी पाबंदी। पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स में गिरा भारत का ग्राफ, 180 देशों की सूची में सबसे नीचे आया भारत, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वे। रूस यूक्रेन जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे, इसके साथ ही दुनिया में खाद्यान्न संकट यानी फूड क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सर्दियों के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी, जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन आने वाली सर्दियों के लिए गैस और कोयले के रिजर्व तैयार कर रहा है, इसके अलावा बिजली के प्लांट्स को फिर से तैयार किया जा रहा है, गैस और इलेक्ट्रिसिटी के रेट जरूर बढ़ाए जाएंगे ताकि सरकारी खजाने पर इसका बोझ ना पड़े। कुतुब मीनार मामले में दिल्ली का साकेत कोर्ट में सुनवाई चली, 24 अगस्त को होगी मामले में अगली सुनवाई, कोर्ट ने एएसआई सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
देश में कोरोना का डर फिर सताने लगा। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2701 नए केस मिले, जो 17 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। केरल में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां 2271 मरीज संक्रमित पाए गए, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 859 मरीज ठीक हो गए, जबकि 6 मरीजों की मौत भी हुई। बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेलूर मठ में की पूजा, बताया दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक। पार्टी के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कश्मीरी पंडितों को लेकर उद्धव की तल्ख टिप्पणी के बाद जम्मू पहुंची प्रियंका चतुर्वेदी। टारगेट किलिंग का शिकार राहुल भट्ट और रजनी बाला के परिजनों से मुलाकात की गई। मोदी सरकार पर किया आभार। बांसवाड़ा जिला कारागार से 3 विचाराधीन कैदी दीवार फांद कर फरार हो गए। जेल से भागने के लिए कैदियों ने कंबल का सहारा लिया। कंबलों को बांधकर कैदी जेल के करीब 30 फीट ऊंची दीवार फांद कर फरार हो गए। सागवाड़ा में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर ग्रामीणों ने लगाए धांधली के आरोप। सरकारी हैंडपंप्स को अपने चहेतों की निजी जमीन पर खुदवाने का मामला। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। जोधपुर के उमेद अस्पताल में स्वर्गीय महाराजा उमेद सिंह की 75वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। इस दौरान अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रंजना देसाई सहित अन्य रहे मौजूद। जोधपुर में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कायलाना के विकास के संबंध में झील और उसके आसपास के इलाके का अवलोकन किया। अधिकारियों को विकास कार्य के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए। झालावाड़ में नर्सिंग कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर वेतन भुगतान की मांग की। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी है परेशान। पाली के देसूरी में कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। संबंधित विभाग को जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए। पुलिस अधीक्षक सहित अन्य लोग रहे मौजूद। करौली में तिमनगढ़ किले की तलहटी में सागर सरोवर पर गंगा दशहरे पर मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सागर सरोवर में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान किया। लोगों ने प्राचीन मंदिर में धोख लगाकर शांति खुशहाली की मनौती मांगी। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया है। मौके पर पहुंचकर चिकित्सा विभाग की टीम ने परिजनों के साथ आसपास के लोगों के लिए सैंपल लिए। 12 में पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। उप निरीक्षक रमेश चंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ तहसील में 4 दिवसीय चल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 300 से ज्यादा लोगों का उपचार किया गया। राजसमंद की नगर पालिका नाथद्वारा के आयुक्त कौशल कुमार खटुमरा द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना करने का मामला। इस मामले में सिविल न्यायाधीश परिणय जोशी ने 27 जून को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने इस मामले में राजसमंद जिला कलेक्टर को भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जोधपुर के भोपालगढ़ में सीएचओ सुमन बिश्नोई ने महिलाओं को योग के बारे में जानकारी दी। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिलीप सिंह चौधरी की अगुवाई में महिलाओं को योग के बारे में जागरूक किया। सादुल शहर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान हंगामा हो गया। सुनवाई ना होने पर पूर्व प्रधान सुरेंद्र जलंधरा सहित कई लोग बैठे धरने पर। गांव कालवासिया में अतिक्रमण हटाने के विरोध का यह मामला है। धौलपुर के सैपो में मानसिक अवसाद में दिव्यांग युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। ब्यावर से 59 लोग हज यात्रा के लिए शहर से रवाना। गुलशने मुस्तफा दरगाह समिति ने हज यात्रियों को माला पहनाकर स्वागत किया, शुभकामनाएं भी दी गई। ब्यावर में महेश जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्री माहेश्वरी पंचायत बोर्ड और श्री माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से माहेश्वरी समाज ब्यावर ने इस पर्व को उल्लास पूर्वक मनाया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नसीराबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन की पुत्री अंशु जैन के न्यू जर्सी यूएसए में नोटरी पब्लिक बनने पर अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। नसीराबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एडवोकेट अशोक जैन को बधाई दी। ब्यावर नगर परिषद प्रशासन की ओर से बनाए जा रहे बेरोजगारों के जॉब कार्ड्स इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत बनाए जा रहे हैं ये कार्ड। इसे लेकर परिषद जेईएन पप्पू सिंह गुर्जर ने वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की। झुंझुनू के सरकारी अस्पतालों में मनाया गया पीएम सुरक्षित मातृत्व दिवस। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क जांच, परामर्श और उपचार सेवाएं की प्रदान। डॉक्टर आशा चौधरी संग अन्य लोग भी मौजूद रहे।
ब्यावर में एसडीएम राहुल जैन के निर्देश में नगर परिषद की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमण शाखा के दस्ते ने अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया, साथ दुकानों के बाहर रखा सामान भी जब्त किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 324 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले के आरोपी को अदालत में पेश किया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए तस्कर को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा। पुलिस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है। राजसमंद में पशुबाड़ी में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 भैंस और 1 गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर दमकल पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। धौलपुर के सेपऊ में समिति सभागार में संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने जनसुनवाई की। सफाई व्यवस्था को लेकर मौके पर मौजूद विकास अधिकारी अनुप मीणा को दिशा निर्देश दिए गए। स्थानीय प्रशासन अधिकारी भी के साथ ही ग्रामीण भी मौजूद रहे। मेड़ता सिटी में न्यायालय ने अध्यापक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने और अश्लील मैसेज भेजने के मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने 3 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। चित्तौड़गढ़ से ये जानकारी। यहां डुंगला कस्बे के पास बीती रात तस्करों का पीछा करने के दौरान पुलिस की स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में उन्हें उदयपुर ले जाया गया। बस और बजरी से भरे डंपर की भिड़ंत, करीब 12 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। देवड़ावासा अवैध बजरी कांटे पर हुआ हादसा, सभी घायलों को लाया गया दूनी हॉस्पिटल। भोपाल से जयपुर आ रही थी ये निजी बस। जयपुर के सांगरियर में प्रतापनगर सेक्टर 3 में अनुमान उद्यान विकास समिति के पदाधिकारी और महिलाओं ने उद्यान में बांधे परिंडे। परिंडों की देखरेख की जिम्मेदारी भी ली गई। 151 पेड़ों के पौधे लगाने का निश्चय किया गया। उदयपुर के झाड़ोल में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की गई। सेवा मंदिर व ग्राम पंचायत झाड़ोल के तत्वावधान में सफाई अभियान हुआ। इस दौरान सरपंच आशा देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भोपालगढ़ के रड़ोद में आंगनबाड़ी केंद्र पर 5 महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एएनएम दुर्गा बोरा सहित अन्य महिलाएं भी मौजूद रहीं। अलवर में लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर जलदाय विभाग के मुख्य कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर विरोध जताया। एसडीएम ओम प्रकाश सारण में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इटावा में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नरेश कुमार मालव ने सीएजी कृषि संबंधी समस्याओं को लेकर जनसुनवाई की। मौके पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर किसानों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर जिले के किसानों को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से मिल रहा है लाभ। जिले के 17,671 उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का भी लाभ मिल रहा है। जयपुर के सांगनेर में शिव मंदिर में 9 दिवसीय नव कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ का आयोजन हुआ। सांसद रामचरण बोहरा और लोकेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। सरदार शहर में राजस्थान की जान ग्रुप की ओर से मेगा ट्रेड फेयर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान शहर के प्रतिभावान छात्रों ने मेले का शुभारंभ किया। भोपालगढ़ में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी की समस्या का मामला कलेक्टर के सामने रखा। पाली के खैरवा ग्राम में कलेक्टर नमित मेहता और एसपी राजन दुष्यंत ने की जनसुनवाई। ग्रामीणों की समस्याओं को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। एसडीएम गोयल सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। सवाई माधोपुर में ग्रामीणों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मेहंदी मीणा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। टोंक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 17 मई को 3 आरोपियों पर नाबालिग का अपहरण कर प्रयास करते हुए मारपीट कर जेवरात छीने का भी मामला दर्ज किया गया था। चित्तौड़गढ़ के बेगू पहुंचे कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने जुगनिया माता मंदिर में दर्शन किए। 10 जून को आयोजित होने वाले कलश स्थापना कार्यक्रम का जायजा लिया। स्पीकर ओम बिरला कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। धौलपुर में युवक ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। मामले की जांच जारी है। राजसमंद में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर सक्सेना ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करें। करौली में विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। 13 जून से अनिश्चितकालीन महापड़ाव की चेतावनी दी कर रहे वेतन संघ दूर करने की मांग लगातार जारी है। धौलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बाइक रैली का आयोजन किया। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली। जिलाध्यक्ष रवन कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। अजमेर में प्रताड़ित बुजुर्गों की सहायता के लिए जिला हेल्पलाइन नंबर जारी। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश टंडन ने जारी किया नंबर।
चित्तौड़गढ़ में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल पहुंचे बड़ी सादड़ी, जिला परिषद सीईओ अर्पणा गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के भोपालगढ़ में सरपंच ने जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को सौंपा ज्ञापन, ग्राम पंचायतों में खेल मैदान की व्यवस्था करवाने की रखी मांग। कोटा में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे, इस दौरान पंचायत समिति को दी ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रहे 3 डंपर जब्त कर लिए, पुलिस ने मौके से डंपर चालकों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के कान्याखेड़ी से बजरी भरकर निम्बा हैडा जा रहे थे डंपर। जयपुर के रेनवाल में एसबीआई बैंक में ग्राहक से छीना 2,50,000 रुपयों से भरा बैग, पोस्ट इंडिया के स्थानीय संवाददाता भगवान साई ने दिखाई बहादुरी, नाबालिग को दबोचकर किया पुलिस के हवाले। टोंक के NH 52 पर स्लीपर बस सड़क किनारे खड़े बजरी के डंपर से टकरा गई, हादसे में बस सवार 9 यात्री घायल हो गए, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया। भोपालगढ़ में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में शिरकत की, इस दौरान लोगों ने पानी और बिजली की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रुक चित्तौड़गढ़ के गांव चरपोटिया का, जहां दलित समुदाय की बिंदोरी रोकने का मामला सामने आया है, इस मामले में पीड़ित परिवार के सदस्यों ने सामाजिक संगठनों के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर धरना देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बच्चे के मुंडन संस्कार में ये बिंदोरी निकाली जा रही थी। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बेजुबान भी भीषण गर्मी और तपिश से परेशान है। गर्मी से बचने के लिए एक सांड पानी की होद में उतर गया, गौरक्षक दल ने रेस्क्यू कर सांड को बाहर निकाला। ब्यावर में एक युवक ने पैसेंजर गाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, हादसे की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ और जीआरपी पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शव को ट्रैक से हटाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया, फिलहाल शव की शिनाख्त की जा रही है। कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल बड़ी सादड़ी दौरे पर पहुंचे, लौटते समय जिला कलेक्टर भाणुजा गांव पहुंचे, यहां प्रगतिशील किसान के भंडार का अवलोकन किया, प्याज और सोयाबीन के भंडार को लेकर जिला कलेक्टर ने जानकारी ली, इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। बूंदी में किसान और उसके परिवार ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की, किसान ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में पीड़ित किसान ने सुदखोरों के आतंक से मुक्त करवाने की मांग की, पीड़ित किसान ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमीन मुक्त करवाने और सुदखोरों के आतंक से मुक्त करने की मांग की। सेपऊ पंचायत समिति परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, कार्यवाहक जिला कलेक्टर चेतन चौहान की ओर से पौधारोपण किया गया, विभिन्न किस्मों के छायादार पौधों को लगाया गया, इस दौरान स्थानीय कर्मचारियों ने पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस की ओर से स्थायी वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, अभियान के तहत सूरजगढ़ पुलिस ने वाहन चोरी के मामले पिछले 10 सालों से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने हरियाणा के मदीना गांव निवासी सोमवीर उर्फ सोनू जाट को उसके घर से दबिश देकर गिरफ्तार किया। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के लालसोट कोटा में एक हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, यहां बोलेरो और स्विफ्ट में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, यहां हादसे के बाद बोलेरो अनियंत्रित होकर खेतों में जाकर पलट गई, हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में एक वृद्ध महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई, वृद्धा का शव मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, सूचना पर एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। सदगुरु जग्गी की ओर से सेव सॉयल अभियान चलाया जा रहा है, इसे लेकर डीडवाना में मिट्टी बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान का पोस्टर विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसलमेर के भणियाना में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इसमें जिला कलेक्टर जैसलमेर डॉक्टर प्रतिभा सिंह और प्रधान मौजूद रहे, इस दौरान जनता की लगातार 6 घंटे तक जनसुनवाई की गई, बिजली पानी सड़क राजस्व चिकित्सा को लेकर आमजन की पीड़ा को सुना गया। जयपुर के चौमू उपखंड के लोहरवाड़ा गांव में 2 नीलगायों ने मचाया आतंक, एक खेत में करीब आधे घंटे नीलगायों का आतंक जारी रहा, इससे लोगों में दहशत का माहौल हो गया। अलवर में मकान की खिड़की तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए चोर, सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी है। श्री विजयनगर के रेलवे स्टेशन पर अनूपगढ़ से बठिंडा होकर सिरसा जाने वाली रेलगाड़ी का रेल विकास समिति अध्यक्ष मेहरचंद नागपाल के नेतृत्व में स्वागत किया गया, ड्राइवर गार्ड्स और स्टेशन मास्टर को माला पहनाकर स्वागत किया। धौलपुर के दिहोली में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, अन्य 3 घायल हुए, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा शव, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच।
प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारत स्काउट गाइड की ओर से कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 25 जून तक ये शिविर चलेगा। विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण किया जाएगा प्रदान। धौलपुर में गंगा दशहरे के मौके पर श्रद्धालु ने तीर्थराज मचकुंड में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ लिया। स्नान के बाद श्रद्धालु ने मचकुंड तट पर मंदिरों में पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना की। पाली में NH-162 पर अज्ञात ट्रॉली ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली में सवार 3 महिलाएं और एक बच्चा घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। मामले की जांच जारी है। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर की बोनर पर बैठे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। राजसमंद में अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन नाथद्वारा नगर में हुआ आयोजन। इस दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत वैष्णव मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन में समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों का भी सम्मान किया गया। झुंझुनू के एक सैलून में एक युवक के सिर के सारे बाल साफ कर दिए, तो जवाब में युवक ने सैलून संचालक की दुकान के सारे शीशे फोड़ डाले। सैलून संचालक ने कहा कि युवक की रजामंदी पर ही कटिंग की गई थी। जोधपुर के शेरगढ़ में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जिला शाखा फलूदी की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें शेरगढ़ विधानसभा से अध्यक्ष पद पर मनोज जैन को चुना गया। जोधपुर में नई थमरा है वाहन चोरी का सिलसिला। जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर के पास हुई बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हो गई सारी वारदात। उदयपुर में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक झाड़ोल ने मृतक आश्रित को दिया 4 लाख का चेक। इस दौरान शाखा प्रबंधक दीपक गुप्ता, कैशर केशव खंडाल भी मौजूद रहे। पाली के कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत जिले के दौरे पर रहे। ग्रामीणों ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। दोनों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।